अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो भारत जैसी जगह आपको दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेगी। यूं तो हमारा भारत हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों का गौरवशाली इतिहास भी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। जहां इतिहास की बात आती है वहां बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जो मौर्य काल से आज तक ऐसे ही अपनी पहचान बनाए हुए है। अपना ट्रैवल बैग उठाइए और अपने वॉलेट को पैसे से भर लीजिए, आपको लेकर चलते हैं बिहार की यात्रा पर। इससे पहले कि आप पटना रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं, हम आपको 5 ऐसी जगह बताते हैं जो बिहार में घूमने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं लिस्ट के पहले नंबर पर। पहले नंबर पर आता है बोध गया। दोस्तों बोध गया पूरे भारत के लिए गर्व करने वाली जगह है, क्योंकि यहीं से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही बुद्ध जिनके नक्शे कदम पर चलकर आज दुनिया के ढेर सारे देश अपने आप को बोध देश मानने लगे। बोध गया में वही पेड़ 2500 सालों से मौजूद है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध मेडिटेट किया करते थे। दुनिया भर के लोग आज इसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। हर साल लाखों लोग इस पवित्र जगह की यात्रा करने आते हैं। इंडियन रेलवे के द्वारा देश की राजधानी से गया तक एक स्पेशल ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस भी चलाई जाती है। दूसरे नंबर पर है रुइंस ऑफ नालंदा। दोस्तों नालंदा वही जगह है जहां प्राचीन समय में दुनिया भर के लोग उच्च शिक्षा के लिए भारत आते थे। यहां लगभग 1500 साल पहले इसे सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। भारत के उस सुनहरे दौर में यहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 1,000 से ज्यादा विद्वान शिक्षा और कला सिखाते थे। 30 एकड़ में फैले इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी उसी जगह देखे जा सकते हैं। आपको एक बार इस जगह जरूर जाना चाहिए, आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। तीसरे नंबर पर आता है राजगीर नगर बिहार। दोस्तों ये नगर मौर्य काल से भी पुराना माना जाता है। ये नगर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिस वजह से देश विदेश से यहाँ लोग घूमने आते हैं। राजगीर की खास बात यहाँ बना ग्लास ब्रिज है। जैसे चीन का जंगजियाजी स्काईवॉक बना हुआ है, वैसे ही इस ग्लास ब्रिज से राजगीर की पहाड़ियों का हरियाली भरा सुंदर नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा राजगीर में आप जू सफारी का भी मजा ले सकते हैं। जू सफारी के लिए आपको 250 रुपए का ऑनलाइन टिकट बुक करवाना पड़ता है। चौथे नंबर पर आता है बराबार की गुफाएं। दोस्तों बराबार की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में मौजूद हैं। ये गुफाएं 2250 साल पुरानी हैं, जिस वजह से देश विदेश के पर्यटक इस जगह को घूमना पसंद करते हैं। अगर आप ऐतिहासिक जगह घूमने के शौकीन हैं तो इस जगह जरूर जाइएगा। पांचवें नंबर पर आता है कैमूर। कैमूर बिहार का हरियाली वाला जिला है। यहाँ पर भी आपको ढेर सारे हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस जिले में वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा नवादा जिले में भी एक बड़ा वाटरफॉल मौजूद है जहाँ गर्मियों में ढेर सारे लोग अपना दिन बिताने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बिहार के इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इनमें से किसी जगह पर गए हों तो कमेंट करके जरूर बताएं।